Hello and you're watching Claptrap. We are back again and we are back with another video. It's an interesting piece of information that is being shared with you. As we all understand, once there was a time when Indian furniture market was overly loaded with imported products, especially from China, that caused a massive loss to us. And then there was this company that stood like a force against Chinese import, and we made this comeback successful thanks to all the Claptrap family members who supported this indigenous brand called Taglo Marble and Fabrication. And trust me, this success was not possible without your support. And to take this fight to the next level, we are going to get you introduced to the process of making some of the finest furniture units being produced there. Some we could shoot and some being exclusive did not get the space in the public lens. In this video, let's understand how this company is performing, how they are still thriving to fight the fight against import market, especially from China. This is a video that gives you a complete freedom to understand what kind of elements and what kind of materials are available so that you can also use your creative minds in case you are an interior designer, architect or a builder. If you are not and you're planning to bespoke your house, then trust me, this company is going to support you like nobody else does. This being an Indian company, I support it totally. I expect the same from you. Hello Jaipal ji. Hello sir. कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, बहुत मजे में हूँ मैं तो। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपकी टेबल पे बहुत बड़ा स्प्रेड है। जी बिल्कुल है सर, और ये हमेशा रहता ही है इसी टाइप से जी। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि अभी मैं आपको कुछ मटेरियल दिखा रहा हूँ जो हम लोग अपनी फैक्ट्री में यूज करते हैं फर्नीचर को डेवलप करने के लिए। ऑलराइट। ये जैसे मेटल हो गया, इस पे डिफरेंट कोटिंग कर देते हैं हम लोग, इस पे हमने शैंपेन गोल्ड कलर किया हुआ है, ये बिल्कुल न्यू कलर है मार्केट में, ये हमने इन्वेंट किया है। अच्छा। और जैसे डिजाइन पार्ट्स के लिए डाइनिंग टेबल हो गया, सेंटर टेबल हो गया, कंसोल हो गया, या कोई वॉल पे डिज़ाइन करना है, या किसी क्रॉकरी यूनिट पे, या किसी फर्नीचर पे, या सोफे पे, तो ये मदर ऑफ पल के अलग अलग डिज़ाइन हैं, हम लोग इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। ये शेल्स हो गए, ये मेटल्स के हमारे कलर, ये मदर ऑफ पल्स जो आपने फाइनल दिखाया था, इसी का कट वर्क है, यही शेल्स होते हैं, इसका रॉ है, इसका रॉ है। अच्छा। इसी का कटवर्क निकालते हैं हम लोग, यदि आप देखेंगे ना, इसमें से काफ़ी सारा वेस्ट भी निकलता है हम लोगों का, तो सिर्फ थोड़ा ही पार्ट यूज़ हो पाता है। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग हैं एमओपी को अंडरएस्टिमेट करते हैं, आज थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देंगे हमारे व्यूअर्स को कि ये एक शेल है जो काफ़ी एक्सपेंसिव मटेरियल है, बिल्कुल, इसमें से सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही यूज़ हो पाता है, बाकी वेस्ट होता है, एक्सपेंसिव बना देता है। राइट। भाई जितना ज़्यादा वेस्ट निकलेगा तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर देगा वो, बिल्कुल 30% वेस्ट निकलेगा तो 30% कॉस्ट जाएगी। चलिए, तो मटेरियल में सबसे पहले आपने बताया मेटल जो कि अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, जैसे ये सारे मेटल के कलर, ये मेटल के हमारे कलर हैं जो हमने एंटिक फिनिश बनाए हुए हैं, तो ये छोटे छोटे सैंपल्स हैं तो ये हम यूज करते हैं। ओके। और ये कुछ हमारे पीयू के प्लस्टर्स के सैंपल हैं, विनियर्स हैं, ये अलग अलग हम यूज करते हैं फर्नीचर डेवलप करने के लिए। ये हाई ग्लॉस में है, हम इसको मैट फिन मैट हाँ, में भी करते हैं। जैसे ये कुछ है, जैसे ये है, ये कुछ आइटमें हैं, ये मैट में है, इस पे 3D टेक्सचर भी है जो हम CNC से डेवलप कर देते हैं। राइट। तो ये भी है, और ये जैसे देखेंगे आप, ये भी मैट फिनिश में है। ओके। ये भी मैट फिनिश। क्या मटेरियल है सर? ये वो है HDMR बोर्ड। जी हमारे पास कौन कौन से मार्बल है जैसे हम देख रहे हैं? हमारे पास आर्टिफिशियल ओनिक्स है, नेचुरल है, इटालियन मार्बल्स हैं, काफी टाइप के अलग अलग मार्बल्स होते हैं सर हमारे पास। ये देखिए, जैसे ये कौन सा है सर? ये ओनिक्स है। अच्छा, रियल ओनिक्स जी। ओके। ये आर्टिफिशियल ओनिक्स है। ये आर्टिफिशियल ओनिक्स है। ओके। कुछ सैंपल्स यहाँ पे हैं, मेन स्टॉक हमारा बाहर सर, मेन स्टॉक, बड़े स्लैब्स तो अंदर ही रहेंगे। राइट। और ये क्या है ये सर? ये इसका मैं अंदर आपको डाइनिंग टेबल का टॉप दिखाऊंगा, ये सोडा लाइट है। अच्छा जी, डन। इसको सोडा लाइट बोलते हैं, छोटे पीसीज में आता है। चलिए ठीक है, डन। इसके अलावा और कौन सा मटेरियल है जो यूज होता है, जो आप यूज करते हैं? मतलब मार्बल तो काफी टाइप के यूज करते हैं, आपको तो पता ही है, स्टोक यार्ड है हमारे पास, तो मार्बल तो ये जैसे नेचुरल ओनिक्स हो गया, तो मार्बल तो हम लोगों के पास आप एक बार में देखेंगे तो अराउंड 25-30 कलर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मार्बल्स। मेनली हम डील करते हैं डाइनिंग टेबल्स जी, कंसोल, साइड टेबल्स हो गया, आपका कॉफी टेबल हो गया, पार्टीशंस वगैरह हो गए, आपके वॉल क्लैडिंग हो गया, सोफे के अंदर डिजाइनिंग करने के लिए हम मेटल यूज करते हैं, जो आप सोफे आजकल जो चल रहे हैं उसमें मेटल का काफी फ्रेम बना होता है। आपके बैट्स हो गए, बैट्स के अंदर भी काफी यूज होता है मेटल का जी, और उसके अंदर आजकल लोग मार्बल भी लगवा रहे हैं डिजाइन में, कटवर्क में मार्बल भी लग रहा है, इनफैक्ट इवन सोफाज के अंदर भी लोग मार्बल लगवा रहे हैं जी, मेटल को रिप्लेस कर रहे हैं, बेड के ऊपर भी, बेड के ऊपर भी मार्बल लगवा रहे हैं, तो इसमें काफी जगह पे यूज होता है हमारा। चलिए ठीक है, क्या होता है सर यहाँ पे? देखिए मार्बल कटिंग हो रहा है अभी, अलग अलग मार्बल की टेबल्स रेडी हो रहे हैं, इसको कपड़ा मार दो। ये जैसे आप देखेंगे ये गोल्डन पोत्रो है, ये एक सेंटर टेबल डेवलप हो रहा है, ये शेप में हमने इसको काटा हुआ है,
भी मैं इसको साफ करके दिखा देता हूँ जी। ये किसी का डिज़ाइनर का तो नहीं है, आप मुझे बाद में बोलेंगे। नहीं, 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 ये डिज़ाइनर का नहीं है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया जी। ये क्या बन रहा है? सेंटर टेबल। सर ये सेंटर टेबल बन रहा है, अभी इसके नीचे ना मेटल के पैर लग जाएंगे चारों। अच्छा, और ये ऐसे एज इट इज टॉप आ जाएगा। ऑल राइट, डन। यहाँ पे मेटल कटने के बाद में बफिंग होता है इसका जी। मतलब अब यहाँ पे मार्बल का फैब्रिकेशन है। अच्छा, मार्बल का फैब्रिकेशन है ये। जैसे इसी के जो आप साइड टेबल्स आ गया, इसी का जो कट दिखाई दे रहा है आपको। ओके ओके, ये बहुत इन है भी आजकल, ट्रेंडिंग जी। ट्रेंडिंग है ये वाला डिज़ाइन जी। ओके, ये सोडा लाइट है, इसको पानी डाल के। ये डाइनिंग टेबल का टॉप रेडी हो रहा है जी। ये ब्लू कलर में आएगा, आपने लैपिस देखा होगा जी। लैपिस जो प्रेशियस स्टोन है जी, जी। और लैपिस है ना थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा आता है। हाँ, उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज जी जी जी। और आजकल अच्छा लैपिस मार्केट में आ भी नहीं रहा है जी। तो उसके सिमिलर एक स्टोन होता है सोडा लाइट। कॉस्टिंग भी कम है और अवेलेबल भी है। एक पीस दिखा दें हमको जी। तो जनरली ये छोटे छोटे पीसेज होते हैं जिनको हम यहाँ पे, ओह ये देखिए, ग्रेट। ये अभी पॉलिश नहीं है, ये जब पॉलिश हो जाएगा तो नाइस। तो इसको हम एक एडहेसिव से हमने इसके ऊपर चिपका दिया है जी। हमने एडहेसिव का यूज करके इसको एडहेसिव से पेस्टिंग कर दिया, स्मॉल स्मॉल पीसेस। नाइस जी। अभी इसके अंदर ब्रास वर्क भी होगा कुछ, फिर डाइनिंग का टॉप रेडी हो जाएगा। डन। सोडा वाइट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं? साइड टेबल, सेंटर टेबल। साइड टेबल, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल्स में, वॉल के ऊपर पैनलिंग जो होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं हम लोग। राइट, स्टेयर्स पे यूज़ कर सकते हैं। कंसोल में आपको एक आगे फाइनल दिखाऊंगा, ये एक फाल्कन कंसोल है, ये पूरा मार्बल में बना हुआ है, फुल मार्बल में बना हुआ है। तो काफ़ी हैवी होगा ये? काफ़ी हैवी है, ये नेचुरल ओनेक्स में बना हुआ है, वाइट ओनेक्स में बना हुआ है ये। इसके अंदर हम यहाँ पे ब्रास का इनले करते हैं, ये जितने भी आप जॉइंट्स देख रहे हैं तो ब्रास का इनले होगा, और इसके सेंटर में भी एक ब्रास की स्ट्रिप जाएगी। अच्छा ठीक है, ये मैं इसको आपको पीसेस दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, जैसे वो एक पीस आ रहा है अभी, ये जैसे वाइट में था, ये भी ब्लैक में है। साफ कर देते पानी। ये किस चीज़ में? ये ब्लैक कलर में जी, ये ब्लैक में है, ये ब्लैक मार्बल में बना हुआ है। अच्छा, आपको साफ करके दिखाता हूँ। इसमें क्या नैरो सेंटर और है, NSL है इसमें? नो सर, इसमें हमने NSL यूज़ नहीं किया, इसमें अरमानी ब्राउन यूज़ किया। अरमानी ब्राउन यूज़ किया। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन आई गेस, कंसोल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका नाम हमने दिया है फाल्कन। ओके डन। हालांकि बहुत सारे लोग, आपने इसको बहुत पब्लिक कर दिया अभी, बट बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सक्लूसिव होगा आज भी। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। चलिए, यहाँ बीच पार्ट में मेटल आएगा, मेटल आएगा। चलिए, यहाँ हमारे पास मार्बल है, जैसे ये सतवारियों, सिमिलर सतवारियों है, ओरिजिनल सतवारियों तो आजकल काफ़ी कॉस्टली आ रहा है, तो उससे कुछ सिमिलर सतवारियों मार्बल हैं। अच्छा, सिल्वर पोत्रो है, आप ये देखेंगे, ये सिल्वर पोत्रो मार्बल है। अच्छा, जो हमने वहाँ पे टेबल पे यूज़ किया हुआ है वो गोल्डन पोत्रो, गोल्डन पोत्रो था, दैट इज गोल्डन पोत्रो, दिस इज सिल्वर पोत्रो। क्योंकि गोल्डन पोत्रो में, नो नो इट्स नॉट एक्चुअली, वो ओरिजिन ऑफ द कंट्री है ना, तो इसके लिए है वो सिल्वर पोत्रो, इसलिए क्योंकि सिल्वर स्ट्रीक्स हैं इसमें, वो गोल्डन पोत्रो इसलिए क्योंकि गोल्डन स्ट्रीक्स हैं। एग्जैक्टली। ओके डन। एंड कॉम्पोजिट भी हमारे पास काफ़ी अच्छा है, कॉम्पोजिट थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल होता है जी। बिल्कुल। चलिए, दिस इज मोर लाइक माइकलेंजेलो जैसा लगता है, है ना? इट्स मोर लाइक माइकलेंजेलो। नहीं, आई मीन इज इट माइकलेंजेलो शॉट, राइट, समथिंग लाइक दैट। ओके डन। जैसे बिजी पैटर्न के जितने भी होते हैं, आई नो डिज़ाइनर्स का तो अपना खुद का दिमाग चलता है, दे डोंट नीड दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस, बट एंड स्टिल जस्ट फॉर माई नॉलेज, बिजी पैटर्न्स जो हैं वो लार्ज साइज पे ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि छोटे पैटर्न, बिजी पैटर्न को छोटे टेबल पे यूज़ करेंगे तो वो कट जाएंगे, राइट, अपने आप में। फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर जो छोटे टेबल पे या किसी छोटे पैटर्न पे हम बिजी मार्बल यूज़ करते हैं तो वो अच्छा भी तो लगेगा ना, उसमें से कोई पार्ट कट के आएगा। अच्छा, वो भी तो एक एक्सक्लूसिव पीस बनेगा। हाँ, वो भी तो पीस अच्छा लगेगा, राइट। जो मुझे याद है द सेंटर टेबल दैट यू क्रिएटेड फॉर अस, जो उसमें हमने बीच में यूज किया था, दैट वाज सतवारियो, राइट, सतवारियो मार्बल। ओके, वो सेंटर कितना अच्छा लग रहा है, वो दैट वाज नाइस एक्चुअली, अच्छा दिख रहा था वो। चलिए, यहाँ पे इस सेक्शन में क्या हो रहा है सर? यहाँ पे एक वही जो एक्सक्लूसिव मैं आपको बता रहा था, तो वो पीस। ओके सॉरी, am I not supposed to? Yeah, 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 you're not supposed to shoot that area. Okay, done. तो मैं आपको थोड़ी सी झलक दे सकता हूँ। डन। So I don't know what is थोड़ी सी, क्या डेफिनेशन है, इतना दिखा देते हैं। दिस इज एन एक्सक्लूसिव पीस बींग प्रोड्यूस फॉर somebody, किसी डिज़ाइनर का है? हाँ सर, इंडिया के डिज़ाइनर का है। इंडिया के डिज़ाइनर और अवार्ड विनिंग डिज़ाइनर, अवार्ड विनिंग डिज़ाइनर है। ओके चलिए, हमने एक छोटा सा हमारे व्यूअर्स को दिखा दिया। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट दिस रिप्लेस रेप्लीकेटेड, इट्स डिफिकल्ट, इसमें बेसिकली बहुत हार्ड वर्क है, काफ़ी है सर, काफ़ी, अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है हमारा। ऑल राइट, चलिए, इफ़ यू आई जस्ट शो टू माई व्यूअर्स, दिस इज कम आउट वेरी वेल, हाँ, बहुत अच्छा बना है। डाइनिंग टॉप है जी। ओके, ये देखिए सर, ये साइड टेबल है, ये पूरे मार्बल के ब्लॉक बने हुए हैं, ये हमने मार्बल के ब्लॉक बनाए हैं,
और ये पूरा ब्रास का बना हुआ है, ये प्योर ब्रास में है। अभी ये गोल्ड शाइन करेगा जब बफिंग होगा, ये शाइन होगा और इसके सेंटर में मार्बल आएगा। अच्छा, लेकिन मार्बल आएगा जो इसका सरफेस है वो तो बहुत अनइवन है ना? वो अनइवन है सर, वही डिज़ाइन है। अच्छा। वो हैमर डिज़ाइन वही है। अच्छा, ये हैमर डिज़ाइन है ब्रास के। अच्छा, ये साइड टेबल्स हैं सारे, तो पर अभी जब इसका बफिंग होगा तो इसका ग्लॉस बाहर आ जाएगा, एकदम गोल्ड बन जाएगा। ऑलराइट, और ये प्योर ब्रास है। ओके, और इसके जो ये सेंटर पार्ट देख रहे हैं इसके अंदर मार्बल्स आएंगे, और ये नीचे ब्लॉक्स जो हैं ये ब्लॉक मार्बल के ही हैं, ये ऐसे ही ऊपर प्लेस किए जाएंगे। जी, इसके ऊपर प्लेस नहीं किए जाएंगे, सिर्फ एज इट इज ऐसे इसको रख दिया जाएगा एज ए डिजाइन पार्ट। ओह लवली, वेरी क्रिएटिव पीपल। और ये क्या है फ्लूट? ये सर अभी हमने क्या है, ये मार्बल के अंदर फ्लूटिंग बनाई हुई है। अच्छा, ये मार्बल्स के अंदर है, उसका ये राउंड फॉर्म बनाया है हमने। ये डाइनिंग टेबल के बेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और पिलर्स जो होते हैं घर के बाहर अंदर लगाने के लिए बड़े बड़े पिलर्स, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हमने मार्बल को राउंड करके उसके अंदर ये लूवर्स बनाए हैं, और ये नेचुरल मार्बल है। अच्छा। आर्टिफिशियल स्टोन। तो जो जनरली क्या होता है, समटाइम्स यू हैव दोज अगली पिलर्स इनसाइड, आर्किटेक्चरल जिनको फॉल्ट भी बोल सकते हैं बट गुड पॉइंट भी होता है जी। तो वहाँ पे डिजाइन आइडियाज, अगर डिजाइन पैटर्न क्रिएट करना है तो वहाँ पे इनको कर सकते हैं जी। बिल्कुल, जैसे पिलर्स होते हैं अंदर, जैसे रूम में आ जाते हैं, रूम के बाहर भी होते हैं। बिल्कुल, इवन फायरप्लेस। अच्छा, आपका फायरप्लेस भी इसमें बनता है, यूज किए जा सकते हैं। डन, ठीक है। ये अलग अलग मार्बल इसमें यूज हो जाएंगे जी। चलिए, अभी कहते हैं ये हमारे कॉम्पोजिट मार्बल ऑनेक्स है। जी, ये कॉम्पोजिट ऑनेक्स है। चलिए, एक बहुत बहुत पॉपुलर टर्म है आजकल जो इस्तेमाल हो रही है फर्नीचर इंडस्ट्री में, दैट इज़ इनले। जी, सो नॉट मेनी पीपल आर अवेयर व्हाट इज़ इनले एग्जैक्टली। इनले होता क्या है सर? इनले का देखिए डेफिनेशन में आप जाएंगे, इनले मींस यू पुट समथिंग इन सम अनदर पीसेस। ठीक है, तो इनले काफ़ी टाइप का होता है। इनले आप मार्बल के अंदर भी कर सकते हैं, मार्बल के अंदर मार्बल का इनले, मार्बल के अंदर मेटल का इनले, मार्बल के अंदर वुडन का इनले, मार्बल के अंदर केमिकल का इनले। अच्छा, मार्बल के अंदर कपड़े का इनले, मार्बल के अंदर ब्रास का इनले, मार्बल के अंदर आयरन का इनले, फैब्रिक इनले भी जी, होता है। व्हाई नॉट, मतलब हाउ डज इट वर्क बेसिकली? सर देखिए, बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल, हमने इतना एरिया मार्बल का उसको खाली कर लिया, उसको हमने 5 mm उसका की खुदाई कर दी, हमने 5 mm, हमने कोई फैब्रिक लिया जो केमिकल से खराब ना हो, हमने उसको उसके अंदर डाला, उसको केमिकल से पेस्ट किया, और उसके ऊपर हमने पोलेस्टर और रेजिन एपॉक्सी की एक लेयर चढ़ा दी जिससे वो लेवल पे आ गया। ओके, हो गया। अब इसमें जब पॉलिएस्टर की आप उसके ऊपर लेयर करते हैं, तो आप बहुत सारे वीडियोस क्लैपटॉप पे देखते होंगे ऑलरेडी, कि लोग बताते हैं कि पॉलिएस्टर मटेरियल है ये टेबल के ऊपर जी। क्या इनमें, एक तो पॉलिएस्टर की कंपनीज अलग अलग होती हैं, उनके ब्रांड्स अलग, उन्होंने से उनकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। लॉट ऑफ कंपनीज चाइनीज़ हैं, इटालियन हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनी के पॉलिएस्टर आते हैं, और एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए फैक्ट्री ओनर, हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमें, हमारे लिए कॉस्टिंग बड़ा मैटर करती है। बिल्कुल, तो और मटेरियल की क्वालिटी भी बड़ा मैटर करती है। राइट right. तो प्लास्टर अलग अलग क्वालिटीज़ के आते हैं, कुछ प्लास्टर काफ़ी बेकार भी आते हैं जिन पर जल्दी स्क्रैचेज आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ कंपनियों के प्लास्टर अच्छे भी आते हैं जिनमें जल्दी स्क्रैचेज नहीं आते, और थोड़े बहुत हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं। अच्छा, वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। ओके, सो दिस इन्फॉर्मेशन वॉज फॉर द पीपल, दोज हू द क्लैपटॉप फैमिली मेंबर, दोज हू हैव बीन लिटिल स्केप्टिकल अबाउट द प्राइस, बट दे वर ऑलवेज कंफ्यूज, दे वर नॉट एबल टू डिसाइड, एवरीबॉडी सेइंग पॉलिएस्टर, but they did not know that polyester is available in different variants. जी, there are different versions of polyester is available right now in market, काफी version है। ओके, इसका realization आपको product को घर ले जाने के बाद में होगा कि वो अच्छी polyester थी कि बेकार, use करेंगे right? और even अभी आप देखेंगे नैनो कोटिंग भी आ रहा है। नैनो कोटिंग हम आपको जल्दी इंट्रोड्यूस करा देंगे, शायद कुछ महीने में हमारे पास आ ही जाएगा नैनो कोटिंग का। हमने कुछ सैंपल डेवलप कर लिए हैं, तो अभी आपको वो दिखाएंगे नहीं, तो वो बाद में दिखाएंगे। उसमें क्या है, स्क्रैच लेस बना देंगे हम मार्बल को और फर्नीचर को जी, स्क्रैच आएगा ही नहीं। ओके, हीट से कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। नैनो कोटिंग, सेम कोटिंग एज यू सीन ऑन टाइल्स। ऑलराइट, दैट काइंड ऑफ नैनो कोटिंग, दस दस लाइक वेरी थिन लेयर। जी, बहुत थिन लेयर, काफ़ी थिन लेयर, काफ़ी हार्ड भी होती है। राइट राइट, उस पर स्क्रैचेज भी नहीं आते। बिल्कुल, चलिए, वेयर आर वी गोइंग नाउ? अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं और हमारे पास क्या है आपको दिखाने के लिए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने उधर साइड टेबल देखा था ग्लास वाला, यू कैन शूट दिस। ओके, ये भी एक डिजाइनर पीस है हालांकि जी, वी आर प्रिविलेज्ड नाउ दैट, बट एक्चुअली ये पीस जिनका बन रहा है वो काफी क्लोज है मेरे, वो मेरे फ्रेंड का ही बन रहा है। अच्छा। तो इसको हम शूट कर सकते हैं। डन, इसमें कौन कौन से मटेरियल है और कौन सा कहाँ पे है? सर देखिए, ये तो मार्बल के ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर हमने माइकलएंजेलो टाइप का मार्बल यूज किया जी, जिसके अंदर पैटर्न्स आते हैं, माइकलएंजेलो यूज किया। अभी ये मैट फिनिश में, अभी ये ग्लॉस में जाएगा, ये मैट फिनिश है, अभी अनफिनिश्ड है, अभी अनफिनिश्ड है, मैट में है। और यहाँ पे हमने NSL मार्बल लगाया है। Right. ये पूरा ब्रास का स्ट्रिप्स है, सॉलिड सॉलिड ब्रास, 304 का सॉलिड वर्जन,
सर हैवी वेट हो गए जी, पूरा पूरा हैवी वेट है। आप इसकी थिकनेस भी देखिए, पूरा 10 mm है और ये इसके अंदर हमने डाला हुआ है। अच्छा, ये मार्बल अभी फिनिश हो जाएगा और ये एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये इसमें नैरो सेंट लॉरेंट है ऊपर, नैरो सेंट लॉरेंट है। ओके, और ये व्हाइट है, अगर किसी को मैट फिनिश चाहिए तो व्हाइट ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। मैट फिनिश भी हो जाएगा। ओके सर, यहाँ पे ब्लैक चाहिए, इधर व्हाइट चाहिए, उधर ब्लैक चाहिए, इधर व्हाइट चाहिए, ब्लू चाहिए, सोडा लाइट चाहिए, माइकलांजेलो चाहिए, सतवारियो चाहिए, ओनेक्स चाहिए, आर्टिफिशियल ओनेक्स चाहिए, तो वो तो हम कुछ भी चेंज कर देंगे। चलिए, ये सारा एक लंबा प्रोसेस है, आई एम श्योर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि जब हम इसको क्लीन करते हुए देख रहे थे, वो वहाँ इसको साफ कर रहे थे, इट वॉज अ लेंथी प्रोसेस, इट टुक हिम लॉट ऑफ टाइम। सर, एक छोटे पीस को मतलब मैं आपको बताऊँ, पॉलिश करने के लिए हमें 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, और कट करना, फिर ढूंढना, कट करना, फैब्रिकेशन तो अलग है, पॉलिशिंग का भी 1-2.5 घंटे का प्रोसेस। बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू हैव टू चूज द राइट पैटर्न, यू हैव टू चूज द राइट डिजाइन, ताकि आपका जो गोल्डन स्ट्राइक स्ट्रीक्स हैं वो प्रॉपर उसके अंदर आ जाए। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, अगला देखते हैं अभी। सो ओके, वी कुड नॉट कैप्चर सम ऑफ द एक्सक्लूसिव पीसेस, वो किसी के पर्सनल है। ओके, इस एरिया में क्या है हमारे पास? आप नहीं, ये भी आई कैन नॉट, ये भी नहीं, ये भी इसको ले सकते हैं हम। वी कैन शूट दिस, या नो नो दैट वन, दिस वन। अच्छा, वी कैन शूट दिस, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मुझे लगता है विनियर है, जो आपने हमें इंट्रोडक्शन में हम विनियर्स देख रहे थे, आपको बिल्कुल सही लगता है। हाँ, ये वही है, वही है। ओके, नहीं आप लोगों के साथ रहते हैं, शूट चल रहा है ना? बिल्कुल, वी आर शूटिंग। ओके ओके, या प्लीज चल नहीं, ये बताइए सर, ये वही विनियर है जो अभी हमने अंदर देखा जी, शायद उसके हमने फिर ये प्लास्टर फिनिश किया है इसको। ये भी किसी डिजाइनर ने बनवाया है, सनबर्स्ट फॉर्म में, जी जी, वैसे ही बना, और ये दोनों पीस अलग अलग हो जाते हैं। सी, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, यू नो, जनरली कन्वेंशनली सनबर्स्ट इज वेयर योर पिवोटल पॉइंट, द सेंटर पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ द टेबल, रेक्टेंगुलर शेप में। दिस इज असिमेट्रिकल सनबर्स्ट, जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यू आर राइट, वेरी गुड, वेरी नाइस। और इसके लिए अभी हमने एक मेटल प्लेट भी बनाया है, वो मैं आपको मेटल की फैक्ट्री में दिखाऊंगा, अभी उस पर फिनिशिंग हुई नहीं है। इसके ऊपर से ऐसे करके एक मेटल का प्लेट भी जा रहा है पूरा। जी, एग्जैक्टली। ओके, एक मेटल का प्लेट भी गया, गोल्ड का, जी, मैट फिनिश में, मैट फिनिश में गोल्ड, प्रोजेक्टेड होगा वो ऊपर, जी नहीं, प्रोजेक्टेड नहीं होगा वो, इधर फास्टनिंग होगा ना उसका। अच्छा, वो ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, इसको टच करते हुए, टच करते हुए दोनों बेसिस को, दोनों बेसिस को टच करते हुए उसमें, और इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से 1/2 इंची का गैप रहेगा। अच्छा, ताकि वो इस पर स्क्रैच ना आए। ऑलराइट, ठीक है, नाइस। अदरवाइज फिर तो ये फिक्स हो जाएंगे दोनों, फिर आप मूव नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं, लेकिन मूव करने के लिए अगर जो आप प्लेट को एज इट इज ऐसे बाहर भी निकाल सकते हैं। हाँ, और मुझे लगता है ये तो आई एम श्योर मेटल के बाद अच्छा लगेगा, बट ऐसे भी वो अच्छा दिख रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, दिस वेरी लुकिंग गुड। ओके, कॉस्टिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव टू द अवेयर, वेरी सब्जेक्टिव है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। हमारा आपको पता है कोई सिंगल पीस का तो है नहीं, तो सिंगल यूनिट में हम डील भी नहीं करते हैं। अच्छा जी, वी नीड लाइक मिनिमम बल्क में, या मिनिमम 5 पीस का ऑर्डर है, या पूरे घर का प्रोजेक्ट है, या पूरा साइट का प्रोजेक्ट है, जी, इस टाइप से डन। वो अभी हम उस बारे में एंड ऑफ द वीडियो बात करने वाले हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, हॉर्न एंड बोन है, जी, हॉर्न एंड बोन। ओके, और ओके, अब मैंने सुना है कि हॉर्न एंड बोन में भी देर आर सम आर्टिफिशियल थिंग्स कमिंग इन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ गए, बताइए सर। सर देखिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट में, ये पहले भी अवेलेबल थे, लेकिन नाउडेज दे आर लॉट ऑफ इन फैशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, इनकी ब्यूटी काफ़ी अच्छी है जी, उसकी वजह से। ऑलराइट, तो ये ओरिजिनल है कि ये सिंथेटिक? सर, ओरिजिनल, ओरिजिनल हॉर्न्स, दिस इज मैट फिनिश बेस, यस। ओके सर, देखिए मेरी फैक्ट्री में तो धूल मिट्टी मिलेगी। नहीं नहीं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग क्लीन शोरूम का, जैसा मुझे उम्मीद भी नहीं होती। इनफैक्ट नहीं, जब मटेरियल हमारी फैक्ट्री से निकलता है तब क्लीन हो गया। आई एम श्योर, आई एम श्योर, एंड लकीली वी हैव क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल द व्यूअर्स वाचिंग दिस वीडियो, स्मार्ट एंड विजिलेंट इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ डज इट लुक लाइक, राइट? दे अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज अ साइड टेबल दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर समबडी, साइड टेबल, दिस इज नॉट अ साइड टेबल एक्चुअली, दिस इज अ पेयर ऑफ 3 टेबल्स। ओके, आई कैन शो यू, नाइस। And so this again is resin, the black and yes, white? Yes sir, this is resin. Okay, done. This is good, awesome. मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। Sure, sure. ये जो हम इंट्रोडक्शन में मेटल दिखा रहे थे, शैम्पेन गोल्ड, वही है क्या? जी, ये शैम्पेन नहीं है, मैट गोल्ड है। मैट गोल्ड है, ओके, नाइस। अच्छा, ये एक हॉलो पीस होता है, दिस कैन नॉट बी सॉल्ड फॉर श्योर, अदरवाइज तो बहुत गलत हो जाएगा जी, काफ़ी लेट भी हो जाएगा, राइट? और NSL का इसके अंदर टॉप है जी। ये कहाँ के लिए बन रहा है सर? ये सेंटर टेबल है किसी प्राइवेट क्लाइंट के लिए। अच्छा, प्राइवेट क्लाइंट के लिए, जो कि बल्क में ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है जी। चलिए, वेयर आर वी गोइंग नाउ? ये हमारा वो फाल्कन कंसोल,
ब्लैक में ये सिल्वर पोत्रो मार्बल में है। अभी जैसे आप देखेंगे इसके अंदर ब्रास का इनले हो चुका है जी, और अभी सेंटर में ब्रास का इनले होना है इसमें। डन। अब इसमें जैसे आपने ऑप्शंस बताए थे हमको बहुत सारे कि मतलब मार्बल है, मेटल है, बीच में आप चाहें तो विनियर भी ले सकते हैं जी। विनियर का अभी इसमें इनले है किसी का? ये अभी ये नहीं, ये ब्रास आएगा, यहाँ पे ब्रास का स्ट्रिप जाएगा। ओके, अगर आपको विनियर चाहिए तो विनियर चाहिए, विनियर आ जाएगा। मार्बल दूसरे कलर का करना है तो वो भी आ जाएगा, राइट। ओके, सो दैट्स हाउ यू क्रिएट योर ओन डिजाइन। इस टाइप के डिजाइंस मतलब ये नेचुरल ओनेक्स के बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, हम लोगों को काफ़ी इशू आते हैं क्योंकि वो ओनेक्स काफ़ी फ्रेजाइल होता है वो, ऑब्वियसली बिकॉज ये वाले जो अभी आपने गोल्डन पोत्रो यूज किया है सिल्वर, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग है, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग मार्बल, मतलब हार्डनेस ज़्यादा है, हार्डनेस ज़्यादा है। ठीक बात है, इसीलिए शायद ओनेक्स में बनते भी नहीं है, राइट। चलिए, बट व्हाट आई मीन बेसिकली इसके बीच में आप चाहें तो डिफरेंट कलर का एक कुछ पैटर्न भी लगा सकते हैं, मेटल में जाली भी कटवा के लगवा सकते हैं, भी लगवा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे अभी हम? ये मैं आपको एक दिखाता हूँ जी, ये भी एक डिज़ाइन है, ये कैबिनेट है। अच्छा, ये वुडन में बनाया हुआ है हमने। ओके जी, ये कहाँ के लिए? ये सर स्पेशली लोग इसको क्रॉकरी यूनिट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, डन। ये इसको जरा एक बार ओपन करके दिखा दीजिए। ओह, जो गोल्डन पार्ट है वो क्या मेटल है? नहीं नहीं सर, वो मेटल नहीं है, वो पी यू है। अच्छा, हाँ, वो मैट फिनिश में पी यू यूज़ किया है बिकॉज कोस्ट को लो रखने के लिए। ये हमने मेटल में भी बनाया हुआ है, मैं वो भी दिखाऊँगा आपको। अच्छा, अब देखिए कॉस्ट जो है वो सब्जेक्टिव होती है कि आप उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जैसे आपने इसमें काकस है मेरे ख्याल में कमर्शियल प्लाईबोर्ड में जी, उसके अंदर यूज़ किया हमने। और शटर्स? शटर्स सर HDMR में। ऑलराइट, पॉलिश पी यू है इसमें जी। ओके, और जो गोल्डन पार्ट है वो भी पी यू पॉलिश है, वो भी पॉलिश। अच्छा, ये पी यू गोल्ड है, इसकी क्या लाइफ होती है? सर देखिए, इसकी लाइफ वही है जो नॉर्मली पेंट पी यू की होती है जी। आप इसको जब तक स्क्रैच नहीं मारेंगे, उखाड़ेंगे नहीं, तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलता है, मतलब ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता इसमें? नहीं, 3-4 साल तक आराम से रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। ये क्या है? ये दिखाएं। ये सर सेंटर टेबल है, ये सिंगल पीस में भी बनता है, ये डबल पीस में भी आता है। ये जो इसके बेस है ये शैंपेन मैट में फिनिश है, जो कलर हमने बनाया है जी जी जी, ये है शैंपेन गोल्ड मैट। This is very good. I seriously love this. This is very nice because see over the period of time gold has become little outdated now. Yes, a lot of people don't like gold because gold is very blingy. और सर गोल्ड में चाहिए तो डायरेक्ट गोल्ड का ही फर्नीचर ले लो ना, स्टील के ऊपर गोल्ड कराने का क्या फायदा? No, but that will cause bomb. Okay, that's a funny part. अच्छा, that's a yeah. Okay, I got serious. मुझे लगा मजाक नहीं कर रहे आप. Okay, so what is the top that you have used here? The top Italian marble है. ये ओरोतो marble है. हाँ. ये ओरोतो marble के अंदर top बनाया हमने. This is very nice. बहुत अच्छा है. This looks. This has a concept. It's like a sliding door. It's like two shutters opening, right? This is very nice. बहुत अच्छा है. Conceptual table है. I know. This is very nice. There's another piece coming with it, or this is how it is final. एक piece और आएगा इसके साथ. इसके साथ. वो space के साथ depend करता है. बहुत से लोग single piece ही लेते हैं. Depend करता है कैसे use कर रहे हैं उसमें. दो lip दो भी लेते हैं different model. People are getting. See, designers are getting. Sorry, I'm because of me. You have turned on the AC and fan everything. It's fine. Fine. Okay. So I'm saying is these designs are a little. Of course, they are creative, little eccentric, but they are getting extremely experimental now, especially in India. और हमें काफी अच्छा लगता है as a manufacturer. Even we enjoy their company. Okay. Like when somebody having in your factory with a क्रिएटिव माइंड है और वो आपका मटेरियल देखते हैं कि इनके पास क्या क्या अवेलेबल है, उससे कोई चीज़ें क्रिएट करते हैं, हमें भी काफ़ी मजा आता है. ओके, नई नई चीज़ें बनाने में और उसको डेवलप करने में, फिर क्लाइंट जब वो क्लाइंट को डिलीवर होता है फिर उसकी हैप्पीनेस देखने में भी हमको भी काफ़ी मजा आता है. बिल्कुल. एक प्रोडक्ट पे छोटा सा एक डिस्कशन आपसे करते हैं, मतलब इट वॉज नेवर प्लान्ड बट यू रिमेंबर व्हेन वी वर कमिंग फ्रॉम कोटा एंड आई शेयर्ड एन इमेज विद यू. सो वो आपको बताएगा बेसिकली कि हमारे व्यूअर्स को समझाएगा कि किस तरह से वर्क होता है. एक डिज़ाइन मैंने कंसोल का आपको दिखाया था एंड यू ऑन मी, आई मीन आई वाज ऑलरेडी इन मैडनली इन लव विद दैट डिज़ाइन. यू आल्सो फेल इमीडिएटली फॉर इट. एग्जैक्टली, बट देयर वाज अ थ्रेट, देयर वाज अ प्रॉब्लम. सो व्हाट वाज दैट? शेयर विद आवर व्यूअर्स. विद द मैन्युफैक्चरिंग, राइट? राइट. सो वी डिसाइडेड टू मेक अ डिज़ाइन दैट कंसोल द रेड कलर वन, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम. तो उसके साथ इशू हमारा क्या आया, उसका हमें फाइबर में बनाना पड़ रहा था और फाइबर में बनाने के लिए हमें उसके एक डाई बनानी पड़ती है, दैट्स कॉल्ड ए मोल्ड. और सिंगल मोल्ड का कॉस्ट इतना ज्यादा जा रहा था हमारा कि वो वर्थ नहीं लग रहा था. बिल्कुल, काफी एक्सपेंसिव जा रहा है. तो इसलिए हमें वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा. और उसकी जो फिनिशिंग है, अगर जो हम उसको डायरेक्ट वुडन से बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं, डाई का यूज ना करके, तो उसकी ना वो फिनिशिंग आ रही है ना वो क्वालिटी आ रही है उसकी. बिल्कुल ठीक बात है. और अगर जो मोल्ड और डाइयाँ यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई जाती है सिंगल पीस में. बिल्कुल ठीक. सी व्हाई आई रेज दिस एज अ टॉपिक, बिकॉज आई वांटेड आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज
whenever you experiment something, whenever you create something new, there's a cost involved. There's a threat involved. Of course. Even if you initiate your process, it may not reach to the final level. You never know. Sometimes it may not work out. हमारे साथ भी ऐसा होगा सर. अभी देखिए, for example, ये unit देखिए, ये marble देखिए, ये center table देखिए. अब इसके अंदर हमने तीन मार्बलों का यूज किया है अलग अलग. ये जो सिर्फ व्हाइट मार्बल है, ये आयरिश है, ये आयरिश ब्राउन आ गया आपका. तीन मार्बल यूज किएंगे. तो इसमें जब हमने स्टार्टिंग में डिजाइन डेवलप किया तो काफी बार हमारा ब्रास वेस्ट हुआ. इसमें डिजाइन पैटर्न मैच ही नहीं हुआ हम लोगों से. अच्छा. कभी मार्बल ब्रेक हो जाता है, कभी वो मार्बल इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा. ठीक है. तो ये मैचिंग भी एक प्रोटोटाइप बनाने में ही अपना काफी टाइम है. मतलब दिस इज कॉस्ट इन्वॉल्वड. पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, राइट? इट्स टेक टाइम एंड टाइम मींस कॉस्ट. राइट, राइट. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एंड इन फैक्ट वी हैड टू ड्रॉप दैट आइडिया ऑफ क्रिएटिंग दैट ब्यूटीफुल कंसोल. एंड इन फैक्ट You tried with different elements. You tried with wood also, right? Yes. Okay. Thank you very much. Okay, this has come out very well. So, fabrication का काम हम कहाँ करते हैं? अभी fabrication में चलेंगे. अभी यहाँ पे कुछ units हैं. अभी ये देखिए, वो जो मैंने आपको wooden में दिखाया था एक unit, जी. ये उसी का metal में है. ये full metal है, ये full steel लगा हुआ है. अभी ये finish नहीं हुआ है. जी. अभी ये पूरा brass बना हुआ है. ये भी available है. This is awesome, yeah. This is amazing. अभी ये unfinished है. अब ये फिनिश हो गया, पूरा ग्लॉस मारेगा. अच्छा. दिस इज वेरी, यहाँ पे भी आप देखेंगे हमने पूरा ब्रास वर्क किया है. इसके एजिस पे भी, पूरे एजिस पे भी, और अंदर हमने प्लाई भी, बर्च प्लाई यूज किया है. ये पूरा सॉलिड ब्रास का है. 12 mm का पूरा इसका हमने वो ये रोड लगाया है, सॉलिड रोड है. अच्छा. और ये हैमर भी हम ही लोगों ने किया है. अभी ये शाइन करेगा अभी जब इसका बफिंग होगा. आई कैन अंडरस्टैंड. वो अभी फिनिश नहीं है. वो अभी फिनिश नहीं है, बट आपको एक पिक्चर नजर आ रहा है कि फिनिश होने के बाद कैसा दिखेगा. बिल्कुल, बहुत अच्छा है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. इसकी आई मीन आई फील लाइक आस्किंग फॉर द कॉज, बट आई एम नॉट श्योर यू विल आंसर दिस. नो नो नो, यू विल नॉट. नो. ओके ओके. आई शाय अवे आस्किंग दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज जयपाल जी हैज रिस्ट्रिक्टेड मी फॉर कपल ऑफ थिंग्स. वी कुड नॉट फीचर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, वेयर आर वी गोइंग नाउ? आई विल शो यू समथिंग एल्स. ओके जी, बताइए. ये मदर ऑफ पल में बना हुआ है सर. इसका बेस हमने रेजिन में बनाया हुआ है. इसको हम दो टाइप से बनाते हैं डिज़ाइन को. जो हम सीप अंदर देख रहे थे, आप मेरे से ब्लू सीप भी ले सकते हैं इसमें, वाइट भी ले सकते हैं, गोल्डन में भी ले सकते हैं. इसके अंदर हम स्टील का भी वर्क करते हैं और स्टील का वर्क विदाउट स्टील के वर्क भी इसको हम बनाते हैं. ठीक है. इस डिज़ाइन के अंदर अभी कुछ मेटल का वर्क पेंडिंग है, मेटल इनलेस? सर देखिए, एक के अंदर हम मेटल डाल रहे हैं और एक के अंदर मेटल नहीं डाल रहे हैं. ठीक है. जिनको ब्लिंक चाहिए वो दे कैन गो विद मेटल, ऑफ कोर्स. और जिनको थोड़ा सोबर स्टाइल में चाहिए वो मेटल का काम नहीं कराते हैं. ओके. फॉर पीपल लाइक मी, आई मीन आई जनरली लाइक इट विदाउट मेटल. वो अच्छा दिखेगा यहाँ पे. अदरवाइज मेटल आ जाता है जहाँ पे आपने ये एपॉक्सी, जो जो बॉर्डर दिख रहा है उसमें मेटल आ जाएगा. चलिए ठीक है. छोटा डाइनिंग टेबल जा रहा है हमारा. ये सेलेनाइट में बना हुआ है. इसका बेस हमने वुडन में बनाया है. ये सेलेनाइट में बना हुआ है. नाइस. ओके. सेलेनाइट इज इन, everybody is going for selenite. Yes, but how to decide which selenite is good? And there are grades again, right, on the basis of chips? Sir dekhi, granites wo jo aap grades bol rahe hain selenite ke andar, selenite ek hi type ka aata hai. Uski finishing pe depend karta hai, aap usko banane ka process kya hai. Selenite aata ek hi type ka hai, wo rock form mein aata hai. Aap uski kaise to cutting kar rahe hain, कैसे उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्या उसके नीचे बेस मटेरियल लगा रहे हैं, वो सब उस पर डिपेंड करता है. इसके अंदर कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है. मेरे से भी काफ़ी क्लाइंट पूछते हैं कि सर अच्छे वाला सेलेनाइट लगाना, लेकिन इसके अंदर अच्छा है बुरा तो कोई आता नहीं है. बिल्कुल. तो ग्रेड्स तो आते नहीं. मार्बल इज जस्ट अ मार्बल. बट राइट सेलेक्शन मेक्स अ डिफरेंस, राइट सेलेक्शन ऑफ चिप्स एंड राइट सेलेक्शन ऑफ साइज. आई वुड नॉट से राइट सेलेक्शन, आई वुड से चूजिंग द राइट प्रोसेस. प्रोसेस. ओके. नाउ द टॉकिंग अबाउट द डिजाइन पार्ट, दिस इज सनबर्स्ट. जी. लॉट ऑफ पीपल गो फॉर हेरिंग बोन. हाँ सर, काफी बैक. You can make check? Of course, sir. Okay. Any design. All right. Any design. Done. Chaliye, let's go to the next one now. Nahi sir, ye exclusive hai. Yes. But I've taken a shot, I will not edit it. Okay. This is for a designer? Yes, sir. Okay. Chaliye. And this is, this one? This is actually what we call it, we call it powder table. All right. Powder table. Like powder table, when you're having a big bathroom, you know. Uh-huh. And in big bathroom and your makeup table. So the makeup table, we give it the fancy name. It's called a powder table. Okay. Wow. So that's a marble block. We made it in Satwariya marble. And that's again steel 304 with a matte gold finish. Wow. And we have, look how beautifully we have injected everything together. That's what I was just wondering, and also I'm trying to analyze if they can be used at other places with different purposes. हाँ सर, किया जा सकता है ना बालकनी में, एज ए वाइन टेबल.
आप एज ए बालकनी में वाइन टेबल, ट्रू, इवेंट कंपनी में यूज किया जा सकता है, साइड टेबल के लिए यूज किया जा सकता है, ऑफिस टेबल के लिए, होटल में यू कैन यूज देम, मतलब आपके लॉबी में होता है ना, यू हैव लॉट ऑफ स्पेसेस, यू कैन यूज दिस एज अ साइड टेबल, ऑफ कोर्स, एज अ कंसोल यू कैन, राइट, यू कैन हैव योर फ्लावर वेसेस, इसके इसमें हम दो पीस भी बना सकते हैं, तीन पीस भी बना सकते हैं, यूज किया जा सकता है, वेरी ट्रू, इनफैक्ट यू कैन बाय टू पीसेस, जिसका एक तो इस तरफ रहेगा and you can turn this around to other side and become a console, opposite कर सकते हैं, console बन जाएगा पूरा, console बन जाएगा, right, very nice. सर अभी मैं आपको एक डाइनिंग टेबल दिखा रहा हूँ जी. ये देखिए हमने जो बेस है वो वाइट मार्बल का यूज़ किया है और मार्बल के अंदर मार्बल का ही इनले किया है हम लोगों ने. ठीक है, ये डार्क एम्पराडोर मार्बल है जो हमने इसके अंदर यूज़ किया है और ये देखिए पूरा वर्साचे का इसके अंदर डिज़ाइन डाला हुआ है. डाइनिंग टॉप है, इसको हम बड़े साइज में भी बना सकते हैं, 10 सीटर में भी बना सकते हैं, 8 सीटर में भी बना सकते हैं, 6 सीटर में भी बना सकते हैं. डन. ये इनले वर्क जो बहुत कॉमन है ताजमहल के ऊपर, बहुत कॉमन है ये इंडिया में या फिर मॉन्यूमेंट्स के अंदर काफ़ी कॉमन है. क्या हम डिफरेंट कलर्स में भी ट्राई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, राइट, डिफरेंट कलर में भी कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल में भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन भी कर सकते हैं, डिफरेंट साइज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं जी, उनसे हम इसको डिफरेंट कलर्स में डिजाइन, काफ़ी टाइप के कलर्स होते हैं उसमें, ब्लू कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, काफी अलग अलग टाइप के कलर. चलिए ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे? सर अभी मैं आपको लेके चलूंगा अपने मेटल यूनिट में. ऑलराइट, जहाँ पे हम लोग मेटल से रिलेटेड सारा फर्नीचर देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जयपाल जी? सर ये हमारी मेटल फैक्ट्री है जहाँ अच्छा. पे सारा मेटल का फैब्रिकेशन होता है. ऑलराइट, सारे फर्नीचर यूनिट यहीं पे बनते हैं, मेटल के जितने भी बनते हैं. अच्छा, तो आइए मैं आपको एक छोटा सा टूर करा देता हूँ. श्योर, जैसे कुछ कॉफी टेबल के बेस रेडी हो रहे हैं जी, हम पहले इनको वुडन का बना लेते हैं. अभी इधर देखेंगे आप, इस पर मेटल की क्लडिंग हो रही है जी, काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है सर. सर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सर डाइनिंग टेबल के बेस है, इनके अंदर हम होल कर रहे हैं बफर लगाने के लिए. ये डाइनिंग टेबल के बेस है हेक्सागन शेप में. ये क्रोम फिनिश है कि ये मेटल? नहीं सर, ये शैंपेन गोल्ड कलर में होगा. अच्छा, अभी क्रोम फिनिश हमें करना पड़ता है पहले पीवीडी कराने के लिए, उससे पहले हमें क्रोम फिनिश करना पड़ता है. एक चीज़ और है कॉस्ट को लेके यहाँ पे, कि देयर आर टू फैक्ट्रीज, सो यू हैव टू डू लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ. यस, प्रोडक्ट्स कमिंग हियर, वो चल रहा है सर. अभी जैसे कोई वुडन का पार्ट बना है तो वो पहले ट्रांसपोर्ट से इधर लेके आना पड़ता है, फिर यहाँ से फिनिश होके उधर जाता है. बिल्कुल, वो चलता ही रहता है. चलिए, ये मेटल का बेस है जो क्रोम फिनिश में, और ये क्या है? ये सर इचिंग टेबल है. ये मेटल में ही है, ये मैट गोल्ड में है, ये इचिंग है. इस पर आप हाथ लगाएंगे आपको पूरी 3D फील आएगी जी, टच होगा. दैट्स कॉल्ड अ इचिंग प्रोसेस. ऑलराइट, इसमें हम डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी. ठीक है, एंड वो उधर ये सर अगेन हाफ मून हम बोलते हैं, डाइनिंग टेबल का बेस है जी, वो पार्टीशंस हैं, अब उनके अंदर मिरर्स लगेंगे. हम लोग मिरर भी लगा सकते हैं, मार्बल भी लगा सकते हैं, विनियर भी लगा सकते हैं. ठीक है, ग्लास भी लगा सकते हैं. डन. तो मेटल से रिलेटेड जितना भी फैब्रिकेशन का काम है जनरली वो यहाँ पर होता है जी, फिर इसके बाद में ये पॉलिश के लिए जाता है जी. तो कई सारे एलिमेंट्स हैं, इनको एक साथ कंबाइन करने में तो मस्ट बी अ वेरी हैक्टिक शेड्यूल सर. होता है, बट काम है तो करना ही है ना. ठीक बात है. ओके, व्हाट आर दीज फ्रेम्स? दीज आर मिरर फ्रेम्स. ओके, एक होटल का प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, तो उसके लिए काफ़ी सारे मिरर्स बन रहे हैं. ऑलराइट, ये उसके फ्रेम, ये गोल्ड होने वाले हैं, शैंपेन गोल्ड? हाँ सर, शैंपेन, कुछ शैंपेन गोल्ड में है, कुछ मैट गोल्ड में है, कुछ रोज गोल्ड में है, सब अलग अलग. चलिए ठीक है. Alright, step by step, if you understand. ये जैसे आप हमारे पास देखेंगे सोफ़ास फ्रेम है. अच्छा, ये लोग हमारे पास शोरूम ओनर जो होते हैं, डिज़ाइनर जो होते हैं, वो अपने मैन्युफैक्चर करके हमारे पास भेजते हैं. फिर हम इसके ऊपर जो भी मेटल का काम होना था, वो मेटल का काम इसका हम लोग करते हैं. अच्छा ठीक है, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं मशीन में? वो सर खराद मशीन है, वो किसी चीज़ का डाया बना रहा है. वो देखे ना, जैसे पहले डाया बना रहा राउंड, वो डाया बन रहा है वहाँ पे राउंड मेटल का. ठीक है, और यहाँ पे? यहाँ पे सर सब वही मेटल का काम हो रहा है. गेम फ्रेम्स आ गए हैं, ये बार काउंटर आ गया है. इसके ऊपर अभी पूरा एक ब्रास की हैमर्ड की हुई शीट लगेगी, जो दूधर भी हैं हमारे पास, वो शीटें लगेंगी. वो पीछे आप देख रहे हैं, वो रेलिंग आ गया है. अच्छा, मेटल का रेलिंग आ गया है. ये किसी के प्रोजेक्ट के लिए है? हाँ सर. ऑलराइट, डन. ये तो क्रोम फिनिश में होते हैं हमेशा, आउटडोर में क्रोम फिनिश ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ओके, मेटल आपने बताया SS304 ही हम यूज़ करते हैं जी. सर अभी 204 भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे ये क्या है सर? अगेन रैक. अच्छा, इसका क्या फाइनल कलर होने वाला है? सर इस पे होगा रोज गोल्ड मैट. अच्छा, इस पे रोज गोल्ड मैट होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है मटेरियल? सर ये भी रैक बन रहे हैं, इसके अंदर अब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर मार्बल्स लगेंगे. ये ऐसे आ जाएगा, मार्बल्स लगेंगे, ये काइंड ऑफ एक यूनिट बन जाएगा. और वो मिरर फ्रेम है क्या वहाँ? जी वो भी मिरर फ्रेम है. अच्छा, ये CNC कोई कटवर्क है?
ये डाइनिंग टेबल के लिए यूज़ होगा, डाइनिंग टेबल का कोई बेस बन रहा है हमारे पास, उसके अंदर ये कट के डिज़ाइन लगेगी। चलिए, और लास्ट में पीछे क्या रखा हुआ है? सर वो पार्टीशंस हैं, कुछ अगेन मिरर्स हैं, पार्टीशंस रखे हैं हमारे पास, जो फिनिशिंग पे चल रहे हैं, अभी वर्किंग प्रोसेस में हैं वो सब। ठीक है, इधर ये जैसे देखेंगे ये भी कुछ कंसोल्स के बेस बन रहे हैं मेरे पास, पूरे मेटल में ही। ये इधर एक डाइनिंग टेबल रेडी हो रहा है, ये अच्छा ये ऐसा डी शेप में आएगा जी। ओके डन। ये क्या इतना लार्ज साइज फ्रेम है? सर ये डोर फ्रेम है, एक शोरूम बन रहा है तो उसके फ्रंट डोर बन रहे हैं ये। अच्छा जी डन, इसीलिए इतना लार्ज साइज है ये फ्रेम में। ओके, जनरली शोरूम के जितने कलर्स होते हैं उसमें वो लोग बहुत सारा ग्रेफाइट कलर भी कराते हैं, ब्लैक जी बिल्कुल कराते हैं, ग्रेफाइट भी कराते हैं, एंटीक भी कराते हैं। चलिए तो हम एक बार पॉलिश वाला सेक्शन देख लें जी। आइए जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है सर। यहाँ पे जो भी है हमारे पास जो फ्रेम पीवीडी हो गया है, उनकी फाइनल फिनिशिंग चल रही है अभी, यहाँ पे पैकिंग होगा, पूरा फिनिश होगा। वो जैसे अभी फ्रेम हो गए हैं, वो रेडी हो गए, पीवीडी हो गए, तो अभी पैकिंग चल रहा है उनका, फाइनल बफिंग हो गए, पैक होगा। ठीक है, okay, I understand. Must have been really hectic for you, running from. I'm used to it, sir. Okay, it's a daily routine. Hectic for you, I guess. It was little, yeah, but not much. My love, my passion for furniture is very strong. So it's true. It's true. So nothing that is causing too much of dust and emission of pollution or sand is nothing. Okay. Yes. So before we sign out, it's important to ask you these basic questions. The people, who are the people that you work for? Sir, we work for interior designers, architects, showrooms owners, like mostly we work for the reseller clients. Okay. Those resell our units. All right. So they have to place an order in bulk. Yes. What about for the people like us, those who want to place an order and then? Sir, like we have some of exclusive furniture, like the cabinet, the mantel one I showed you, and the Falcon console, like this kind of conceptual furniture you can buy in single unit. Chaliye. ओके, सो आई एम गेटिंग टू अंडरस्टैंड दिस फॉर आवर कन्वीनियंस, व्हाट आई एम गेटिंग टू अंडरस्टैंड, आपने नहीं कहा वो मैं कह देता हूँ, इट्स बेसिकली फॉर द पीपल दोज हु आर प्लेसिंग ऑर्डर इन बल्क, इट शुड बी इन क्वांटिफाई, ताकि क्योंकि आपको कस्टमाइज करने में एक एक छोटे यूनिट को बहुत तकलीफ होती है जी। सो प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू डू नॉट कॉल फॉर स्मॉल यूनिट, साइड टेबल्स, सेंटर टेबल्स जी, इफ इट इज़ वेरी लो इन कॉस्ट, इट हैज़ टू बी एक्सक्लूसिव आइटम्स, देन ओनली यू दे कैन बी कस्टमाइज फॉर यू, राइट? इज इट ओके? एग्जैक्टली। ओके, एंड Jayapal ji is always constantly asking people to come visit, you take them around, you show them how the factory is functioning. आपके पास हम पूरा टूर कराएंगे फैक्ट्री का, पूरा मार्बल फैब्रिकेशन दिखाएंगे, विनियर दिखाएंगे, आपको कलर्स दिखाएंगे, क्या क्या कलर होते हैं, मेटल की फैक्ट्री का पूरा आपको टूर कराएंगे, आपको एक एक बारीकी दिखाएंगे, क्योंकि फर्नीचर देखिए, फर्नीचर कोई ऐसी आइटम नहीं है कि आपने कल ही चेंज कर दिया, आप फर्नीचर को हर एक सेकेंड यूज़ करते हैं अपने घर में, आप अपने ऑफिस में होते हैं तो यूज़ करते हैं, आप इमोशन से टच या फर्नीचर का, आप दुखी हैं तो फर्नीचर यूज हो रहा है, आप सोफे पे बैठे हैं दुखी होके, राइट? आप खुश है तो बच्चों के साथ टीवी भी सोफे पे देख रहे हैं, खुश है तो बेड पे भी आराम से सो रहे हैं, बिल्कुल अच्छे मूवमेंट्स आपके बेड पे हैं, बेड मूवमेंट क्या पता आपके सोफे पे भी हो, बिल्कुल ठीक बात है। देन यूटिलिटी एंड फंक्शनैलिटी तो अलग है, वो तो अलग, क्योंकि आपको सेंटर टेबल, साइड टेबल, डाइनिंग, पैक टेबल ये सब चाहिए होते हैं फंक्शनैलिटी के लिए। आवर सर्विसेज अवेलेबल फॉर द पीपल लिविंग एनीवेयर इन द कंट्री, यस, इवन आउटसाइड एज वेल, वी आर डूइंग आउटसाइड एज वेल। ओके, all right, thank you very much. I think that's all for now. We'll see you very soon. Yeah, thank you very much. And namaste. Thank you very much.